हेलो एवरीवन, हमारे चैनल बी अमेज्ड में आपका स्वागत है। ये दुनिया जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी है। वैसे आमतौर पर हर कोई सुरक्षित जगहों पर रहना या जाना पसंद करते हैं। कोई रोमांटिक जगह पर जाना पसंद करता है तो कोई आध्यात्मिक जगह। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने सफर में भरपूर रोमांच चाहते हैं। लेकिन हमारी इस पृथ्वी पर आकर्षक पर्यटक स्थलों के साथ साथ कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहां लोग घूमने जाने से कतराते हैं। दुनिया में कुछ ऐसी भी जगहें हैं जहां जाना खतरे से खाली नहीं है। तो आइए हम जानते हैं दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों के बारे में, जो पर्यटकों के लिए खतरनाक और रोमांचक दोनों ही बनी हुई है। सिनाबोंग, इंडोनेशिया। सिनाबोंग एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर स्थित है, और यहाँ अक्सर ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं, जिससे यहाँ के हजारों लोगों को अपना आश्रय या जीविका छोड़ना पड़ा है। और आसपास के कई कस्बे और गांव पहले से ही कई बार लावा और राख में पूरी तरह समा गए हैं। सिनाबोंग 2010, 2013, 2014 और 2015 में कई ज्वालामुखी विस्फोट देखे गए हैं, जबकि नवीनतम विस्फोट 27 फरवरी 2016 को हुआ था। उस विस्फोट की गैस, पत्थर और राख से भारी नुकसान हुआ था। वास्तव में सिनाबोंग दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है, जहां कल क्या होगा कोई नहीं जानता। इहा दा क्यूमाडा ग्रांडे। ब्राजील का इल्हा दा क्यूमाडा ग्रांडे पहली नजर में खूबसूरत जगहों में से एक है। इल्हा दा क्यूमाडा ग्रांडे ब्राजील के तट पर स्थित है, जिसे स्नेक आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, और इस द्वीप को व्यापक रूप से ग्रह के सबसे खतरनाक स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस जगह में दुनिया के सबसे विषैले सांपों की प्रजाति पाई जाती है, जहाँ जाना मौत के मुँह में कदम रखना माना जाता है। इस आइलैंड पर 5 वर्ग मीटर लंबे और जहरीले सांप पाए जाते हैं, और इस जगह से कई व्यक्तियों के मरने की जानकारी मिली है, जिनकी मौत सांप के काटने से हुई थी। और इन्हीं घटनाओं को देखते हुए ब्राजील सरकार ने इस स्थान को पर्यटकों के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। वैली ऑफ डेथ, कामचटका, रशिया। रूस के पूर्व में स्थित डेथ वैली कामचटका दुनिया की सबसे डेंजरस जगहों में से एक है। ये जगह ऐसी है जहां बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी है। इस जगह के पास ही वैली ऑफ गीजर्स भी है, जो इस क्षेत्र में पाए जाने वाले विषाक्त गैसों की उच्च सांद्रता हर जीवित चीज के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करती है। इसलिए इस जगह के पौधे और जानवर जल्दी ही मर जाते हैं और लोग जल्दी ही बेहोश होने लगते हैं। यहाँ बिना इजाजत के जाना सख्त मना है, और अगर आप कोई वैज्ञानिक है तभी यहाँ जा सकते हैं। एलिफेंट किंगडम, चोनबुरी, थाईलैंड। इस जगह के नाम पर ना जाए, एलिफेंट किंगडम असल में एलिफेंट नहीं बल्कि मगरमच्छों का फार्म है। इसमें एक घातक मगरमच्छ का खेत है, जहां मालिक मगरमच्छों के साथ उठने, बैठने, बंद करने और व्यक्तिगत होने के लिए आगंतुकों के लिए छोटे राफ्ट किराए पर देता है। यहां का मालिक एक छोटी सी राफ्ट स्पेस को चार्ज करता है, पर आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि टूरिस्ट यहां आने पर बहुत ही डर जाते हैं। डोर टू हेल, तुर्कमेनिस्तान। पाताल का द्वार तुर्कमेनिस्तान के आखाल प्रांत के देरवेजे गांव में एक प्राकृतिक गैस का क्षेत्र है। यह स्थान तुर्कमेनिस्तान के रेगिस्तान में स्थित है, जिसे नर्क का द्वार भी कहते हैं। यहां पर जमीन में बने एक बड़ी छेद से निकलती हुई गैस सन 1971 से लगातार जल रही है। इससे पैदा होने वाली सल्फर गंध मीलों दूर तक पूरे क्षेत्र में फैली रहती है। इस गड्ढे की आग आज तक नहीं बुझ पाई है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। लेक नेट्रान, तंजानिया। उत्तरी तंजानिया में स्थित लेक नेट्रान बेहद खतरनाक है। जो कोई भी इस झील के आसपास ज्यादा देर तक रुकता है वह एक कठोर पत्थर बनकर रह जाता है। इस लेक के पानी में सोडियम की मात्रा बेहद ज्यादा है और इसका पीएच लेवल भी बहुत हाई है। इसके कारण जो भी पानी के संपर्क में आता है पत्थर बन जाता है। इस झील के पास जाकर देखने पर वहाँ ऐसे कई पशु पक्षियों के ढांचे नजर आएंगे जो पत्थर के बने हैं। चांगपोंग क्लिफ रोड, चीन।
चीन का ये रास्ता वाकई बहुत ही खतरनाक है। इसे 700 साल पहले बनाया गया था और इसे अभी भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ जाने की हिम्मत कुछ ही लोग जुटा पाते हैं और साथ ही साथ इस रास्ते पर जाने के लिए आपको बकाया सेफ्टी गियर पहनना होगा। हालांकि कुछ लोग सेफ्टी का ध्यान नहीं रखते हैं, पर यहाँ एक असावधानी भी बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। माउंट वाशिंगटन, यूएसए। माउंट वाशिंगटन, जिसे कुछ मूल अमेरिकी जनजातियों द्वारा एगियो को कुछ कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस जगह का नाम हमने इस लिस्ट में क्यों रखा है, तो मैं आपको बता दूं कि इस जगह का नाम दुनिया की सबसे तेज चलने वाली हवाओं का रिकॉर्ड है। जी हाँ, यहाँ 203 मील प्रति घंटे यानी 327 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाई चलती है। यहाँ का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहता है। यहाँ कई पर्वतारोही और एडवेंचर के दीवाने हर साल आते हैं। हैंगिंग मॉनेस्ट्री, चीन। सांझी में स्थित हैंग माउंटेन चीन की खतरनाक पहाड़ों में से एक है। हवा में खड़ा यह मंदिर ऐतिहासिक स्थलों और मुख्य पर्यटक आकर्षणों में से एक है। यह स्थल हवा में झूलता प्रतीत होता है। दिसंबर 2010 में इसे दुनिया की 10 सबसे अजीब खतरनाक इमारतों में शामिल किया गया। क्या इससे पहले आपको ये तथ्य पता था? डानाकिल, एरिट्रिया। अफ्रीकन देश एरिट्रिया में डानाकिल रेगिस्तान है, जिसका तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से हमेशा ऊपर ही रहता है। यहाँ पर कई सारे एक्टिव ज्वालामुखी है और यहाँ जो पानी है वो टॉक्सिक गैस छोड़ता है। ये दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है, लेकिन ये देखने में बहुत सुंदर है और इसे हमेशा हेल ऑन अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ कुछ एडवेंचर प्रेमी जाते हैं, लेकिन यहाँ जाने के लिए आपको एक प्री ऑर्गेनाइज्ड टूर लेना होगा और बिना एक्सपीरियंस्ड गाइड के एरिट्रिया की सरकार आपको यहाँ जाने नहीं देगी। अगर आपको हमारा वीडियोस पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, इससे आपको अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।